आरटीओ ऑफिस जाकर ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हर किसी के लिए हेक्टिक हो जाता है। भारत सरकार ने इसको काफी आसान बना दिया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बहुत ही आसानी से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। पोर्टल से आप लर्नर या नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के अलावा आप एड्रेस चेंज और दूसरे चीजों के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म को भरने के लिए आप आधार ईकेवाईसी का तरीका भी अपना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सबसे पहले आपको parivahan.gov.in/parivahan/en/content/mparivahan अपने कंप्यूटर पर ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अगर आप ईकेवाईसी आधार से करते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप लर्नर लाइसेंस टेस्ट घर से ही दे सकते हैं। अगर आप नॉन आधार ईकेवाईसी सिलेक्ट करते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। इसके लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर देना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे वेरीफाई कर लें। आधार ईकेवाईसी केस में पेज अपने आप आपकी डिटेल्स आधार से ले लेगा। दूसरे केस में आपको फोन नंबर और ओटीपी देकर लॉगिन करना होगा और आपको एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग/लर्नर लाइसेंस ऑप्शन सेलेक्ट करके पास के आरटीओ को चुनना होगा। इसके बाद बाकी की डिटेल्स को भर दें, फिर आपको पेमेंट प्रोसेस करना होगा। स्लिप लेकर लर्नर लाइसेंस स्लॉट बुक कर लें। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको लॉगिन डिटेल्स एसएमएस के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल जाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। लर्नर लाइसेंस अप्रूव हो जाने के बाद आप लाइसेंस को प्रिंट लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।